नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी? होप सो मज़े में होंगे। तो आज मैं आपको ले चलता हूँ अपने गांव के एक मंदिर की तरफ, जो बहुत पुराना मंदिर है, बहुत काफ़ी सालों से पुराना है, 12-13 साल पुराना मंदिर है वो। और वहाँ एक खासियत ये है कि वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ है, जिसका तकरीबन ये जो है हमारे मतलब जितने भी बुज़ुर्ग हैं वो कहते हैं कि जिनकी एज जो है 80-80, 90-90, 100-100 प्लस 100-100 तक जो एज होगी उनकी, उनको भी पूछा मैंने कि ये पेड़ कैसा था। उन्होंने बताया कि जैसा हमने शुरू से देखा था वैसे ही है, इतना ही देखा और आज तक भी इतना ही है हमने। तो इसके साथ एक मंदिर हो रहा है राजा जी का, माता जी का राजा, मतलब इसको बाण बोलते हैं राजा। तो ये साथ जो है मंदिर, और वे मंदिर है हमारे गाँव के बीचों बीच जो एक पूरे बीचों बीच बसा हुआ है, पूरे मतलब हमारे गाँव की रखवाली करती है मंदिर, जालपा माता का मंदिर है ये। तो आज मैं इसका माप करूँगा, इसके तने की कितना कितना मतलब तना निकलता है। तो मैं फीता लाया हूँ अपने 7 इंच टेप, तो देखते हैं कितना इसका कितना लपेट निकलता है। तो आपके सामने बिल्कुल इसकी मापूंगा इसको। तो ये तकरीबन बहुत विशाल का ये पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है ये वो कहते हैं कि 1200-1300 साल पुराना पेड़ है ये। एक रहस्यमय अपने आप में एक रहस्य छुपाया हुआ पेड़ है ये। काफ़ी बड़ा पेड़ है, काफ़ी आकार में बड़ा ये। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जो इसमें जो एक गड्ढा पड़ता है, ये गड्ढा जो है ये 100 साल में एक गड्ढा पड़ता है। तो इसमें तकरीबन जो है 13 गड्ढे मैंने काउंट किए, जो आपको आपके सामने बिल्कुल ये देख सकते हैं। इसको तकरीबन अगर 100 साल में एक गड्ढा पड़ा तो इसके 13 गड्ढे हुए, तो मतलब साफ साफ कि इसके जो है 1300 साल पुराना पेड़ है ये जो गड्ढे पड़े हैं, ये नालियाँ जो पड़ी इसमें। तो ये बहुत बड़ा विशाल का पेड़ है ये, काफ़ी जो है लपेट में अपने आप में काफ़ी बड़ा पेड़ है ये, बहुत ज़्यादा पेड़। तो इसको देख सकते हैं आप कैसे जो ये कितना बड़ा कार इसका पेड़ ही है, इसका तना, इसका तना देख सकते कितना बड़ा तना इसका। तो आप सोच भी नहीं सकते कि इतना बड़ा पेड़ भी कहीं होगा। तो ये बिल्कुल हमारे गांव के बीचों बीच अडुल्ला गांव में, देवपर पंचायत के चंबा डिस्ट्रिक्ट के अडुल्ला गांव में, ये बहुत बड़ा पेड़ है, ये बहुत विशाल का पेड़ है, ये सिंबल का पेड़ है। ये देख सकते ऊपर तक, बिल्कुल ऊपर तक देखो आप कितना बड़ा पेड़ है, कितना बहुत इतना कार है इसको आप जो है मतलब सोच भी नहीं सकते कि इतना बड़ा पेड़ भी हो सकता है। ये बिल्कुल माता रानी की मेरे माता रानी की कृपा इसमें हमारे गांव पे भी और इस पेड़ पे भी। बहुत पुराना मंदिर है ये, बहुत मतलब काफ़ी साल पुराना मंदिर है हमारा ये, जालपा माता का मंदिर ये। ये देख सकते हैं ये जय जालपा माता। तो तकरीबन हमने इसकी जो मापाई की, नाप नपाई की, तो ये फीता पूरा, तो ये तकरीबन जो 15 मीटर पे आकर रुका, 15 मीटर लपेट इस पेड़ का दोस्तों। ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल मैंने फीता डाला पूरे के पूरे प्लॉट में। मैंने ऐसे फीता नहीं डाला था, एक फॉरेस्ट विभाग के डिपार्टमेंट ने मुझसे जो इसका माप मांगा था, एक मेरे फ्रेंड सर्कल में है फॉरेस्ट गार्ड में, फॉरेस्ट में एज ए फॉरेस्ट गार्ड बन रख सकते, उन्होंने मुझे कॉल की कि इसका जो मुझे माप चाहिए। तो मैं अर्जेंट जो इसको फीता लेकर आ गया, इसको माप मंगवाई की, तो तकरीबन जो है इसका माप निकला 15 मीटर। तो ये 15 मीटर माप है, देख सकते हैं आप बिल्कुल इसका जो है 15 मीटर माप, ये आपके सामने इतना बहुत विशाल का पेड़ है। इसका 15 मीटर जिसका लपेट होगा दोस्तों, उस 15 मीटर इसका लपेट होगा तो उसका पेड़ का आकार तो आप इसको जो जज ही कर सकते हो, कितना बहुत बड़ा पेड़ है ये। ये कैसी लगी दोस्तों वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर ऐसी ऐसी और वीडियो चाहिए तो आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकन के ऑल बटन पर क्लिक करें, ताकि आगे से जो भी जानकारी अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। माता दी, ये सब आपकी मेहनत, कितने बड़े बड़े विशालकाय पेड़ जो आपने इस धरती में जो है लगाए हुए, और आपकी वजह से ये इतने बड़े बड़े पेड़ यहाँ, इतने इतने बड़े बड़े मतलब हर चीज़ में जो है इतनी अच्छी अच्छी जो है वस्तु जो आपकी वजह से ही टिकी हुई है। जय माता दी, जय जालपा माता, जय राजा भगवान, जय मेरे मालिक। तो ये बिल्कुल बीचों बीच में जो है यहाँ जालपा माता का मंदिर, यहाँ माता के जो राजा होते हैं, बाण होते हैं, उनका मंदिर, तो बीच में ये पेड़। तो देख सकते कितना बड़ा पेड़ है ये, बहुत विशाल पेड़ है ये।